आज के इस वीडियो में बताएंगे कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी था जिसने सचिन तेंदुलकर का पहला वीडियो इंटरव्यू लिया था। बॉलीवुड एक्टर टॉम अल्टर का मृत्यु 67 साल की उम्र में 29 सितंबर 2017 को निधन हो गया था। वे लंबे समय से स्किन कैंसर से पीड़ित थे। वो उन्होंने अभिनेताओं में से थे जिन्होंने थिएटर और टेलीविज़न की दुनिया में नाम कमाया था। करीबन 300 फिल्मों में काम किया था। विदेशी नए नक्शे वाले टॉम अल्टर के दादा दादी आज़ादी से पहले भारत आ गए थे। उसके बाद उनका परिवार भारत में ही रहा। उन्हें 2008 में पद्मश्री सम्मान भी मिला था। अमेरिकी मूल के टॉम 22 जून 1950 को मैसूरी, तब ये उत्तर प्रदेश में मैसूरी हुआ करता था, उनका जन्म हुआ था। उनके दादा दादी 1916 में ओहियो अमेरिका से चेन्नई आ गए थे। इसके बाद वो ट्रेन से लाहौर चले गए और वहीं बस गए। उनके पिता का जन्म सियालकोट में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है। भारत पाक विभाजन के बाद टॉम के दादा दादी पाकिस्तान में बस गए जबकि उनके पिता भारत आ गए। इलाहाबाद, जबलपुर, सहारनपुर के बाद वो राजपुर उत्तर प्रदेश में सेटल हुए। कुछ साल यहाँ रहने के बाद वो 1954 में देहरादून और मसूरी में रहे। मसूरी में ही टॉम अल्टर का जन्म हुआ। उनके दो भाई और बहन भी हैं। मसूरी के वुड स्टॉक स्कूल में टॉम की पढ़ाई हुई। इसी दौरान उनकी हिंदी काफ़ी अच्छी हो गई। 18 साल की उम्र में ही टॉम हायर स्कूल के लिए अमेरिका चले गए। वो यहाँ एम में एक साल पढ़े लेकिन यहाँ का माहौल उन्हें कुछ खास जमा नहीं, जिसके चलते वो भारत एक साल में ही भारत लौट आए। 19 साल की उम्र में वो जगधरी हरियाणा के सेंट थॉमस स्कूल में बतौर टीचर पढ़ाने लगे। यहाँ उन्होंने 6 महीने तक काम किया था। इसी दौरान वो बच्चों को क्रिकेट की ट्रेनिंग भी देते थे। इनके 2.5 साल के बाद जब तक उन्होंने छोटी छोटी जॉब की, इसी दौरान उन्होंने हिंदी फिल्में देखना भी शुरू कर दिया था। एक बार वो दोस्त के साथ फिल्म आराधना देखने गए थे जो कि उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे एक हफ्ते में 3 बार देखा। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की इस फिल्म को देखने के बाद अल्टर की फिल्मों में काम करने की इच्छा जगी। उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में काम करने के लिए ठान ली और 2 साल तक मेहनत की। 1972 में उन्होंने FTII पुणे में दाखिला लिया जहाँ एक्टिंग टीचर रोशन तनेजा के अंडर 2 साल एक्टिंग सीखी और काम किया। यहाँ वो 1974 तक रहे। उन्होंने थिएटर में भी काफ़ी काम किया। टॉम ने थिएटर में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मिर्जा गालिब, अब्दुल शाह जफर, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के किरदार यादगार नज़र में निभाए। 1976 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की स्टार चरम में टॉम ने चीफ कास्टिंग ऑफिसर की भूमिका निभाई और हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया। उनकी चर्चित फिल्मों में गांधी, शतरंज के खिलाड़ी, क्रांति, राम तेरी गंगा मैली, आस की सरदार और परिंदे जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्होंने भारत एक खोज, जवान संभाल के, बेताल, 25 शक्तिमान और कैप्टन व्यू जैसे कई चर्चित टीवी शो में भी काम किया था। उन्होंने काफ़ी पॉपुलरिटी मिली। टॉम अल्टर ने 1980 से 90 के दशक में खेल पत्रकारिता भी की थी। वो खुद भी अच्छे क्रिकेटर थे। उन्होंने ही सचिन तेंदुलकर का पहला वीडियो इंटरव्यू लिया था। ये साल 1989 की बात है जब सचिन ने उस वक्त टीम इंडिया में डेब्यू भी नहीं किया था। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक